इस प्लेन को पहली बार देखने पर लगता है कि ये कोई दूसरी डायमेंशन से आई हुई प्लेन है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बवाल चीज को कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम एक क्रोनो प्लेन है, जिसका डिजाइन एक शिप और एक एयरप्लेन का हाइब्रिड मिक्सचर है, जो आकाश में उड़ने के बजाय ग्राउंड इफेक्ट का यूज करके पानी के 13 फीट ऊपर उड़ती थी। और इसमें 8 पावरफुल टर्बोजेट इंजन लगे थे, जो इसके विंग के नीचे थ्रस्ट देने पर 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के ऊपर उड़ती थी। इसे बनाने के पीछे सोवियत यूनियन का मेन उद्देश्य था कि दुश्मनों के रडार से बचते हुए रशिया के समुद्री तटों की रक्षा करना और टाइम पड़ने पर दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहना, जिसके लिए इसके ऊपर 6 पावरफुल मिसाइल इंस्टॉल किए गए थे। लेकिन सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को पैसों की कमी होने के कारण बंद कर दिया गया, जिसके कारण ये बेहतरीन इंजीनियरिंग का लाजवाब मॉन्स्टर कैस्पियन सागर के किनारे अपने अंतिम दिन गिन रहा है।